नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर कोई अपने तरीके से माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि जिसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया उसे फिर कभी भी धन का अभाव नहीं होता। माना जाता है कि लक्ष्मी जी का स्वभाव अति चंचलता है। जब तक आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करे रहेंगे, जब तक आप उनके पूजा पाठ करते रहेंगे, तब तक वह आपके घर में निवास करते हैं। जैसे आप उनका पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, लक्ष्मी घर को छोड़ करके चली जाती हैं। लेकिन एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, लक्ष्मी जी को थोड़े सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और ये सब जो इच्छित वर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे शुक्रवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा जल्द से जल्द प्राप्त हो। चाहे आपके सर पे कर्जे का भार हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में परेशानी चल रही हो, उस परेशानी से छुटकारा पाने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। क्योंकि लक्ष्मी को अष्ट प्रकार के लक्ष्मी बताएं, जिसमें वैभव लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, पुत्रदा लक्ष्मी, बहुत सारे लक्ष्मी आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आते हैं अशोक के पत्ते या आम के पत्ते का 21। आपको अशोक के पत्ते लेना है या आम के 21 पत्ते लेना है। इसे पानी से धो लेना, अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी का टीका लगाना, यानी कि हल्दी का जो बिंदी जैसा आपको टीका लगाना है और इसे घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य बांधते रहना है। एक शुक्रवार होगा इसे बांध दीजिए, फिर दूसरे शुक्रवार को बदल दीजिए। अगर इस प्रकार ऐसा 5 शुक्रवार किया जाए तो इसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी इसे यह समझती हैं कि उनके घर की आगमन आप स्वयं कर, यानी कि उनका जो स्वागत उत्सव कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शालिग्राम। शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का स्वरूप बताए जाते हैं। तो शालिग्राम को नित्य चीनी वाला दूध चढ़ाने से लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं। उस घर में लक्ष्मी स्वयं साक्षात आकर के निवास करते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु हो वहाँ पे लक्ष्मी खींचे चली आती हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगातार 5 शुक्रवार को गोमती चक्र या पीली कौड़ी से अति तीव्र प्रभाव दिखाता है काली कौड़ी। तो ऐसा माना जाता है कि लगातार 5 शुक्रवार को गोमती चक्र, जो काले कलर की गोमती चक्र मिल जाते हैं तो और भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। काले कलर की जो कौड़ी मिल जाते हैं तो फिर तेजी से प्रभाव दिखाता है। तो पीली कौड़ी या फिर काले कौड़ी या गोमती चक्र पीली या काले हैं तो माँ लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन भेंट करें, जोड़े के रूप में भेंट करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मित्रों, अगर इच्छित कामना की पूर्ति कर रहे हैं आप, अब चाहते हैं कि आपकी मन में जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण हो जाए, माँ लक्ष्मी उसे तत्काल पूरा करें, तो गुलाब फूल की माला माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन समर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति तेजी से प्रसन्न होते हैं। गुलाब की माला माँ लक्ष्मी को मतलब खींचने का काम करते हैं, उनके शक्ति को आकर्षित करता है। सायन काल की गुलर या पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को धन प्रदान करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी मंदिर में जाकर के अगर शुक्रवार के दिन झाड़ू दान किया जाए तो जैसे जैसे उस झाड़ू को लगाएंगे, यानी कि जो झाड़ू आप दान के उसे कचरे साफ करेंगे, वैसे आपके जीवन से दुख तकलीफ परेशानी जो होता है ये मिटना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि मित्रों शुक्रवार के दिन किए जाने वाले उपाय आप सभी दर्शकों को बताया हूँ। जो उपाय अच्छा लगे उपाय करें, इससे आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होंगे और भगवान आपको अन्न धन से भरेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।